हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी रैंकिंग, एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके सामने, रैंकिंग सिखाऊंगी मैं आज आपको। तो जो बच्चे नए हैं, आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए अपने इस चैनल को, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और एक बार शेयर का बटन दबा दीजिए। फिर हम शुरुआत करेंगे आज के अपने टॉपिक की, रैंकिंग। जो बच्चे नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, पहली बार का मतलब आज पहली बार ही वो रैंकिंग पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगी कि एक टाइप कवर करेंगे आज हम रैंकिंग का, एक टाइप आज हम कवर कर लेंगे कि इस टाइप के कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर एक चीज को नोट डाउन कीजिएगा कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, केवल 15 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट में मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखा के भेजूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंकिंग का मतलब आपको पता है, रैंकिंग होता है यहाँ से एक मार्क्स, जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, वहां से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम्स में आएगा। कोई भी एग्जाम हो, वहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आने ही आना है। पूरा एक ही नजर में आज हम देखने वाले हैं। देखिए, रैंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल में आप जाते हो तो आपके रैंक आती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, वो क्या होती है, रैंकिंग की तो होती है। आगे से आप, कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे पीछे से फर्स्ट रैंक आई है, तो मतलब क्या हुआ, सबसे लास्ट में रह गया वो। ठीक है, तो यही होता है रैंकिंग का मतलब। रैंकिंग का मतलब स्थान, कि वो कोई लाइन है, कोई पंक्ति है, कोई क्लास है, वो उसमें कौन से स्थान पर है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ए जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, मैंने बोला ये ए जो है वो आगे से, ये लेफ्ट से, आगे बोल दो या लेफ्ट बोल दो, लेफ्ट से दसवें स्थान पे है, और उस कक्षा में टोटल 20 बच्चे हैं, तो बताइए पीछे से उसका स्थान क्या होगा, या फिर राइट से उसका स्थान क्या होगा, ये मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगी, सिंपल चीज है। अगर आप देखोगे, इतना पूरा अगर 20 है, उसमें से 10 को माइनस करना है, तो इतना आ जाएगा आपको, तो 20 में से मैंने 10 माइनस कर दिया, तो आपने दिया आंसर 10 आ गया। तो ए का स्थान क्या होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। जो नॉर्मल बच्चा होगा, जिसने पहली बार रैंकिंग पढ़ी होगी, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा होगा, वो यही बोलेगा 10 आएगा। पर आपको पता होना चाहिए ये चीज कि लास्ट में एक बार प्लस का 1 भी करते हैं, ये 11वें स्थान पे होगा, 11 इसका सही आंसर होगा। क्या हमेशा जब हम पहले माइनस करते हैं तो लास्ट में हमें एक बार प्लस करना पड़ता है, प्लस का 1 हमें करना पड़ता है, 11 आपका सही आंसर हो गया। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया जो आपके बार बार काम आएगा। टोटल हमेशा क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। देखिए टोटल कितना है, 20 है, लेफ्ट कितना है आपका, 10 है, राइट निकालना है माइनस का 1, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा आपका, 11 आपका आंसर यहाँ से आएगा, कि आर का, सॉरी ए का स्थान राइट से कितना है, 11 है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद कीजिएगा। ये फॉर्मूला आपका बार बार किसी ना किसी फॉर्म में काम आता रहेगा। ऐसे कि एक सवाल और देती हूँ मैं आपको, एक सवाल देखिए, मान लो ये रहा बी, बी जो है आगे से 9वें स्थान पे है, पीछे से आपके ये 8वें स्थान पे है, आगे से 9वें, पीछे से 8वें स्थान पे है। अब मुझे बताना इस कक्षा में कितने लोग हैं, टोटल बच्चे निकालने हैं। तो फॉर्मूला ध्यान दीजिए, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1 कितना हुआ, 9 प्लस का 8 माइनस का 1 करिए कितना हो जाएगा, 16। कितने बच्चे हुए क्लास के अंदर, क्लास के अंदर आपके 16 बच्चे होंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे जब हमें लेफ्ट निकालना हो, राइट निकालना हो, टोटल निकालना हो, बार बार इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन इस फॉर्मूले को याद करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला किसी एक सिंगल चीज के लगाया जाता है, मतलब सिंगल का मतलब सेम व्यक्ति का स्थान राइट से, सेम व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से दे रखा हो तब लगाते हैं। सेम व्यक्ति होना चाहिए यहाँ पे, उसी व्यक्ति का लेफ्ट से, उसी व्यक्ति का राइट से जब भी लगेगा ये फॉर्मूला, वरना नहीं। ऐसा मैं बोलूं कि मेरा स्थान लेफ्ट से 5वां है, मेरी बहन का स्थान राइट से 11वां है, तब मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती। सेम व्यक्ति का लेफ्ट, ऐसे मेरा लेफ्ट मेरा राइट पता होगा, तभी मैं उसका टोटल निकाल सकती हूँ, वरना नहीं निकाल पाऊंगी। ये इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये बात अभी लग रही है बहुत छोटी बात है, पर आगे चल के बहुत काम आएगी, इसी में आप कंफ्यूज भी होंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं, ये था आपका बेसिक चीज। अब आते हैं मुद्दे पे, अब जो सवाल आपके एग्जाम में असलियत से बनता है उस सवाल पे आते हैं। सवाल आपका बनेगा इस टाइप से, ये रहा आपका सवाल, इसको मैं हटा देती हूँ। सवाल आपका लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे ही, सवाल आपका कुछ इस टाइप से बनेगा और आपको बताना होगा इसका आंसर। सवाल क्या है, पी है कोई व्यक्ति, पी जो है लेफ्ट से 15वें स्थान पे है, क्यू जो है राइट से 18वें स्थान पे है। पी 15वें है, क्यू 18वें, अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, अब इनका जगह इंटरचेंज कर ली, मतलब बदल दी, जहां पे क्यू था वहां पी आ गया, जहां पी था वहां क्यू आ गया, बदल दी। बदलने के बाद क्या हुआ, क्यू जो है 22वें स्थान पे हो गया राइट पे, पहले 18वें पे था,
अब 22वें स्थान पे हो गया। मुझे पता लगाना है उस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे थे और P और Q के बीच में कितने लोग बैठेंगे। शुरुआत करते हैं सवाल की। देखिए P मान लो ये रहा, Q मान लो ये रहा। P का स्थान क्या है यहाँ से 15वां स्थान है, Q का स्थान क्या है यहाँ पे 18वां स्थान है। P लेफ्ट से 15वें पे है, Q राइट से 18वें स्थान पे है। दोनों ने अपनी जगह बदल ली, Q यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे आ गया। Q अब कहाँ पे है, 22वें पे है राइट से, राइट से ये 22वें स्थान पे है। अब पता क्या लगाना है इस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं और P और Q के बीच में कितने लोग बैठेंगे, ये आपको पता लगाना है। तो ध्यान दीजिए, टोटल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्या है, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का वन, एक यही फॉर्मूला है, टोटल निकालने का फॉर्मूला यही है। अब देखो लेफ्ट और राइट किसका होना चाहिए, सेम व्यक्ति का लेफ्ट राइट, सेम व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, सेम व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि मेरी जगह मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अभी मैंने यहाँ पे आ गई, मेरी जगह मेरी बहन खड़ी हो गई है मान लो, तो सेम व्यक्ति का मतलब सेम जगह से, जगह सेम होना चाहिए, उसी सेम जगह से लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए हमको, तभी निकाल पाएंगे। जैसे कि देखो अगर ये मैं स्थान लूं, इसका मुझे राइट पता है, राइट इसका 18 है, लेकिन इसका लेफ्ट नहीं पता, यहां से यहां तक कितने बच्चे मुझे नहीं पता। इस वाले स्थान को देखिए, इसका मुझे लेफ्ट पता है 15 लेफ्ट है और इसका राइट भी पता है 22 इसका राइट है, तो यहां से हम टोटल निकाल सकते हैं। व्यक्ति अलग अलग है, यहाँ P है यहाँ Q है, पर व्यक्ति नहीं, हमें उस जगह से मतलब है, उस जगह पे लेफ्ट में कितने 15, उस जगह से राइट में कितने 22, तो यहाँ से हम टोटल निकाल पाएंगे, कितना हो गया 22 प्लस 15 माइनस का 1, कितना 5, 6, 7, 37 माइनस का 1 36, टोटल कितने बच्चे हैं 36 बच्चे हैं उस रो के अंदर। समझ में आया, टोटल 36 बच्चे हैं उस रो के अंदर, समझ में आ गई ये बात, ये आपकी पहली चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब अगला सवाल मुझसे पूछा, टोटल निकल गया, अगला सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि P और Q के बीच में कितने बच्चे हैं, P और Q के बीच में कितने बच्चे, अब देखिए टोटल कितना है 36, ध्यान देना है सवाल को, शॉर्ट से करेंगे, टोटल 36 है, मुझे इतना निकालना है इनके बीच में कितने हैं। अगर मैं ये 18 और ये 15 माइनस कर दूं पूरे में से, यही बीच वाले बच्चे बचेंगे, तो वही किया, माइनस कर दिया मैंने किसको 18 प्लस के 15 को, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36 माइनस का 33, तीन बच्चे इसका सही आंसर होगा। P और Q के बीच में कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। समझ में आया सवाल आपको, सवाल समझ में आया कैसे किया हमने, बहुत शॉर्ट मेथड है, ज्यादा कुछ लंबा तरीका नहीं है, इस टाइप से आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। हमें मेनली देखो जब भी आपका इंटरचेंज का केस आएगा आपसे तीन चीजें पूछी जाएंगी, पहला टोटल पूछा जाएगा, दूसरा बीच में बिटवीन में बीच में कितने बच्चे ये पूछा जाएगा, तीसरा एक सवाल बन सकता है आपका, बताओ P का स्थान क्या है, P का स्थान लेफ्ट से क्या होगा, एक ये भी सवाल पूछा सकता है, P का स्थान लेफ्ट से निकाल लो, ये भी आसान है, P का स्थान लेफ्ट से निकालना है, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, टोटल हमारे पास 36 है, इस वाले का राइट से कितना है 18 है, लेफ्ट से निकालना है माइनस का 1, 36 माइनस का 18 कितना हुआ 18 और प्लस का 1 19 कितना हो गया, ये आपका लेफ्ट से कौन से सॉरी राइट से कौन से स्थान पे हो गया 19th के स्थान पे हो गया, तो ये आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया, तो इंटरचेंज का कोई भी सवाल हो कैसा भी सवाल हो आप ऐसे करोगे तो आपका सारे सवाल निकल जाएंगे, केवल एकमात्र यही तरीका है इंटरचेंज का किसी भी सवाल करने का, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे हर एक चीज पे हर एक स्टेप पे तो आप नहीं कर पाओगे। समझोगे मैंने क्या बोला था आपको, ट्रिक अच्छी बात है पर ट्रिक भी समझने के साथ अप्लाई करोगे ज्यादा अच्छी बात है, तो यहाँ पे हमने समझ भी लिया कि सवाल कैसे बन रहा है और ट्रिक भी अप्लाई कर ली, तो दोनों काम हमारे एक साथ हो गए। समझ में आया आपको, आई थिंक आपको इस सवाल से क्लियर हो चुका होगा कि रैंकिंग का कोई भी सवाल हो इंटरचेंज का, रैंकिंग में भी कौन सा है इंटरचेंज, इंटरचेंज का कोई भी सवाल हो आप इसी मेथड से आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल एक्स वाई जेड कोई भी सवाल, ओके। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा आपने कुछ नया सीखा है तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों को, बोलिएगा सब्सक्राइब करें चैनल को रियल मैम रीजनिंग को, शेयर करें अपने दोस्तों को, बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस बना रही हूं इसलिए मैं आपको आपका समय बर्बाद ना हो। देखो अब आपने एक ही कंसेप्ट, अब मैं इसके 50 सवाल करा दूं कोई मतलब वाली बात नहीं है, सवाल वही रहेंगे केवल मैं डिजिट चेंज करूंगी,
अब आपका काम है होमवर्क को करना, क्या और क्वेश्चन लगाइए इस टाइप के और कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।